तो गाइस आजकल डेजर्ट ईगल से हेडशॉट मारना इतना मुश्किल होता जा रहा है जितना फाइनल एग्जाम में चीटिंग करना। गजब बेइज्जती। लेकिन गाइस आज मैं आपको लिए पांच ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आया हूँ डेजर्ट ईगल के हेडशॉट मारने के लिए, जिसका यूज करके आपके हेडशॉट 101% डेजर्ट ईगल से हर गोली में लगेंगे। यार इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, इसके बाद आपको कोई वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं सारी परफेक्ट ट्रिक बताऊंगा जिसका यूज आप कस्टम रूम अनलिमिटेड मैच में भी कर सकते हो एंड इवन CS रैंक में भी कर सकते हो, जिससे कि आपके परफेक्ट हेडशॉट पड़ेंगे डेजर्ट ईगल से। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो गाइस यहाँ पे पॉइंट नंबर फर्स्ट है यहाँ पे फायर बटन साइज एंड पोजीशन। तो गाइस फायर बटन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर फायर बटन ने आपने फायर बटन का जो साइज़ है या उसको रखने का जो स्टाइल है वो गलत जगह रख रखा है ना, तो भाई आपके हेडशॉट मारने में बहुत दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर उसको आपने सही जगह रखा है ना, तो यार आपके बहुत स्मूथ वन टैप पड़ सकते हैं। अब देखो मैं आपको एग्जैक्ट साइज तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो बंदे लो डिवाइस का यूज़ करते हैं ना, जैसे कि 4GB रैम से अगर आपके पास कम का फ़ोन है, तो यार मैं आपसे ये कहूँगा कि आपका फायर बटन का साइज़ यहाँ पे 50 से कम ही होना चाहिए। मैं जानता हूँ गाइस बहुत सारे प्लेयर्स भाई 100 साइज़ पे खेलते हैं बहुत सारे प्लेयर्स, लेकिन गाइस उनका क्या है ना, डिवाइस थोड़ा अच्छा होता है या वो DPI का यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिविटी लगा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या है ना, वो ज़्यादा फायर बटन साइज रख लेते हैं तब भी उनके हेडशॉट पड़ जाते हैं। लेकिन आप यार ऐसा कुछ नहीं करते, तो इसलिए आपको गाइस अपना फायर बटन का साइज 50 से कम ही रखना है। मैं पर्सनली 50 यूज़ करता हूँ, आप भी 50 यूज़ करो, क्योंकि भाई इसमें आराम से हेडशॉट पड़ सकते हैं। उसके बाद पोजीशन की बात करें, तो देखो पोजीशन इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन तब भी मैं कहूँगा कि आप अपनी स्क्रीन के थोड़ा नीचे ही अपने फायर बटन को रखें, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिलेगा। जब भी आप ड्रैग करोगे तो आपका ड्रैग बहुत ऊपर तक जाएगा एंड हेडशॉट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो गाइस अगर आपको डेजर्ट ईगल से एकदम ही खतरनाक लेवल के हेडशॉट्स मारने ना, तो आपका जो एम है ना वो आपको बहुत ही सही जगह पे रखना पड़ेगा, तब भी आके आप हेडशॉट लगेंगे। नहीं, अगर आपने थोड़ा भी इधर उधर कर दिया ना, आपका एम लॉक हो जाएगा एंड आपका हेडशॉट कितना ही ड्रैग कर लो हेडशॉट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको एम प्लेसमेंट में सही से बता देता हूँ। देखो अगर आपको लॉन्ग रेंज में किसी एनिमी को मारना है, मतलब थोड़ी रेंज ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है ना, अपने एम को एनिमी पे रेड कर लेना है। बस इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आप उसको कहाँ पे रख रहे हो, बट आपको रेड कर लेना है। ठीक है, अगर उसको आप मिड रेंज या शॉर्ट रेंज में मार रहे हो ना, तो भी आप रेड कर सकते हो, बट आपको एक बात बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगर आप मिड रेंज या शॉर्ट रेंज में मार रहे हो, तो आपका जो एम है एनिमी के चेस्ट के ऊपर आना चाहिए। अब बोलोगे भाई ये कैसे करें, हमारा तो पैर पे एम चला जाता है, क्योंकि अगर पैरों पे आपका एम चला गया तो भाई वहाँ पे लॉक हो जाना है एम। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है ना, हमेशा अपने क्रॉस हेयर को ऊपर उठा के रखना है। यस गाइस, बहुत से लोग जमीन में गड़ा के रखते हैं क्रॉस हेयर। देखो ऐसे करके कभी भी अपना क्रॉस हेयर मत रखा करो, अपने क्रॉस हेयर को थोड़ा ज़मीन से इतना ऊपर रखा करो, देख सकते हो जितना मैंने रखा। इससे क्या होता है ना, जब भी आपका एम प्लेसमेंट आप करने की कोशिश करते हो, ऑटोमेटिकली भाई बंदे के चेस्ट पे एम हो जाता है ना, आपका हेडशॉट पड़ता है। तो गाइस अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की, जो कि है ड्रैग स्टाइल। आप किस तरीके से ड्रैग करते हो ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात पे आपका हेडशॉट डिपेंड करता है। ठीक है, तो यार मैं बताऊँ तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ड्रैग टाइमिंग की, आपको किस टाइम पे ड्रैग करना चाहिए। देखो ड्रैग आपको तभी करना चाहिए जब एनिमी आपको गोली मारने का ट्राई कर रहा हो। देखो जब भी एनिमी आपको शूट करने का ट्राई करता है सामने की ओर से, तो क्या होता है ना भाई, वो बंदा स्टिल खड़ा हो जाता है एंड वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा होता। ऐसे टाइम पे अगर आपको एनिमी को हेडशॉट मारने का ट्राई करते हो, तो आपके हेडशॉट पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर एनिमी ऐसा है कि भाई वो आप पे ध्यान नहीं दे रहा, या वो इधर उधर रनिंग कर रहा है या भाग रहा है कूद रहा है, तो ऐसे टाइम पे हेडशॉट पड़ने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। लेकिन एनिमी स्ट्रेट खड़ा हुआ है, उस टाइम पे बहुत ईजिली हेडशॉट पड़ सकते हैं। तो इस चीज़ को करने के लिए आप क्या करो, जब भी आपको एनिमी दिखे तो आप उसके सामने थोड़ी सी नूप वॉक करना, ज़्यादा मतलब कवर से आपको ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है। तो उसकी वजह से क्या होगा ना, वो अपने कवर से बाहर निकलेगा। जैसे ही वो आपके कवर से बाहर निकलता है, तो एकदम ही वो स्ट्रेट खड़ा हो जाएगा, उस टाइम पर आप उसको ईजिली हेडशॉट जड़ सकते हो। चलो इसी पॉइंट में अपन बात करते हैं हाउ मच ड्रैग, यानी कि आपको कितना ड्रैग करना है जाकि आपका हेडशॉट आराम से लगे। देखो मैं लॉन्ग रेंज के लिए बता दूं, तो आपका जितना भी स्क्रीन है, अगर आप लॉन्ग रेंज में मारना चाहते हो, तो आप स्क्रीन के थोड़े कम तक कर सकते हो। मतलब इतना कुछ मैंने यहाँ पे आपको मार कर दिया, अपना इतना ड्रैग करोगे ना लॉन्ग रेंज में, तो आपका इजीली हेडशॉट पड़ जाएगा। लेकिन वहाँ पे बात करें शॉर्ट रेंज या मिड रेंज की बात करें, तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैक करना होगा। कम से कम जो आपका गन बॉक्स वाला बटन है ना, उधर तक आप अपनी मतलब फायर बटन को ट्रैक करते हुए ऊपर की ओर ले जाओ। इससे क्या होगा ना, आप आराम से आपका हेडशॉट पड़ जाएगा एंड कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की, जो कि है सेंसिटिविटी। देखो यार ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से बंदे सेंसिटिविटी पे ध्यान नहीं देते।
देखो मैं बताऊं, हेडशॉट में ज़्यादातर खेलना ये आपकी सेटिंग्स और सेंसिविटी का ही है। अगर आपके हेडशॉट पड़ेंगे तो इनकी वजह से ही पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं सेंसिविटी में सिंपल से एक बताता हूँ, वो है जर्नल की सेंसिविटी। इसको 100 पे रख लेना, एंड साथ ही साथ जो मैंने फायर बटन भी बताया था ना आपको स्टार्टिंग वाले पॉइंट में, उसको भी रख लेना। उसके बाद आपकी सेंसिविटी एकदम ओपी लेवल की हो जाएगी, आपको हेडशॉट मारने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो अब बात करेंगे इस पॉइंट नंबर 5 की, जो कि है एक्सटर्नल सेंसिविटी। अब आप बोलोगे भाई अभी तो सेंसिविटी बताई थी, फिर से सेंसिविटी आ गई। देखो क्या है ना भाई, सेंसिविटी बहुत बड़ा गेम करती है। ये वाली जो सेंसिविटी है ये आपके फ़ोन की खुद की सेंसिविटी। अभी आपको मैंने गेम की सेंसिविटी बताई थी, लेकिन हेडशॉट मारने के लिए आपके फ़ोन की सेंसिविटी बहुत मैटर करती होगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि आईफोन यूज़र हर एक गोली हेडशॉट मार देते हैं, एंड जो एंड्रॉयड में खेलते हैं जिनका लो एंड डिवाइस है वो एक गोली भी नहीं मार पाते। इसका रीज़न यही है कि उनकी फ़ोन की सेंसिविटी कम होती है। इसको बढ़ाने के लिए मैं आपको दो ट्रिक्स बताऊंगा, जिनको आप यूज़ करके आराम से अपने फ़ोन की सेंसिविटी बहुत बढ़ा सकते हो। सबसे पहला ट्रिक है पॉइंटर स्पीड। देखो ये जो सेटिंग है, ये आपको सेटिंग्स के अंदर जाके, एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाके एक पॉइंटर स्पीड करके ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इसको फुल पे कर लेना है, जितना भी ये होता है इसको आपको फुल पे कर लेना है। दूसरा जो है वो है DPI। अब बोलोगे भाई DPI तो हार्मफुल होती है। देखो DPI के बारे में मैं यहाँ पे इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, ऊपर लिंक दिख रहा होगा, जल्दी से जाके उस वीडियो को देख लेना। अगर आपको DPI के बारे में नहीं जानना तो जल्दी से जाके इन स्कोप हेडशॉट के वीडियो को देख लेना। तो करते इस वीडियो को एंड, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।